सेमिया भी फूट जाए ना, अभी फूली नहीं ना सेमिया, तो दूध भी और गाढ़ा हो जाएगा फिर उबालने में। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर से हम पकाते ही हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, अगर तक आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो सी हमारी रेसिपी है वो है स्वीट डिश, और आज जो हम आपको बनाना सिखा रहे हैं, आप लोगों को देखकर आइडिया तो हो गया होगा, यहाँ पर सेवइयां है और दूध और यहाँ पर मेवा पड़ा हुआ है। तो जी हाँ, बिल्कुल आज हम जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है मीठी दूध वाली सेवइयां, और इसकी रेसिपी कैसे तैयार होगी, ये कितनी मज़ेदार सी जो सी स्वीट डिश है आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है, मेरा टाइम जाए कि चलते हैं मम्मा की तरफ और मम्मा से जानते हैं। जी मम्मा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे बहन भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये छुआरे मैंने बारीक बारीक काट लिए, सोगी है इसमें, बादाम है, पिस्ता है, ये सारी चीज़ें, नारियल भी है। हाँ जी नारियल भी है। ये सेमियाँ मैंने ली है, दूध में मैंने मीठा डाल दिया। अच्छा, तो मतलब मीठा दूध लिया हम हाँ लोगों ने, वो गरम है दूध, यहाँ पर हाफ कप हम लोग मतलब कटोरी हाँ कह सकते हैं सेवइयां, हाँ और ये जो सारा आपने मेवा लिया हम वजन है मतलब कितना नहीं है? वैसे मैंने अंदाजे से घर से पड़ा था ना वो ले लिया। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से, अगर आप लोगों को ज्यादा पसंद है ज्यादा डाल सकते हैं, अगर कम तो कम। वैसे मेरे बच्चे नहीं खाते फिर भी मैंने डाल रही हूँ, अच्छा लगेगा जरा। ठीक है, तो अब हम मतलब शुरू करेंगे पहले रेसिपी को, किससे हम लोग शुरू करेंगे? ये दूध में पहले मैं डाल देती हूँ, ये पकने के लिए दूध रख देती हूँ ना साथ ही। हाँ, तो इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जो से वो मेवा जाते हैं जब उसके अंदर हम शामिल कर देंगे तो फिर जब दूध पकेगा तो एक फ्लेवर जो से बहुत अच्छा डिवेलप हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे मज़ेदार से जो सी दूध वाली सेवइयां हैं, मीठी स्वीट डिश हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आपको पसंद आएगी, तो उसको हम शुरू करते हैं। जी, ये तो व्यूअर्स, दूध को हमने चूल्हे पर रख दिया पकने के लिए, तो बहुत ही मज़ेदार सी। पहले मैं काफ़ी ना पकाया था दूध को, आ रही है। हाँ जी, दूध को मतलब इतना पकाना है कि ये कट जाए इसको, मतलब हाँ हाफ हो रह जाए। अगर आपको मतलब पूरा पैन है पूरा बर्तन है तो वो हाफ रह जाए, क्योंकि जितना कड़ा हुआ दूध होगा उतनी मज़ेदार आपकी जो रेसिपी तैयार होगी, क्योंकि ये सेवियाँ बारीक हैं जल्दी से हो जाएंगी। तो फिर उम्मीद करते हैं कि आपको जो सी हमारी आज की रेसिपी है स्वीट डिश के हवाले से हम लोगों ने आज शेयर की है, आपको पसंद आएगी। पसंद है हमें अपनी फीडबैक दें, और इसके साथ साथ व्यूवर्स, अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर कोई आप लोग हमें डिस्कशन मतलब कोई चीज़ डिस्कस करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ बनाना सीखना चाहते हैं या कहीं आप कोई डिफ़िकल्टी कुकिंग के हवाले से, तो बिना झिझक आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। हम लोगों ने जो सा अपना कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर जो सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, इसके अलावा कोई अगर आपने रिक्वेस्ट करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो मम्मा, कितनी देर इसको हम पकाएंगे? बेटा ये सेमियाँ भी फूल जाए ना, अभी फूली नहीं ना सेमियाँ, तो दूध भी और गाढ़ा हो जाएगा फिर उबालने में। ठीक है, तो फिर थोड़ी देर से हम पकाते ही हैं और फिर आपको दोबारा दिखाते हैं। तो आप लोगों ने यही नहीं, हमारे यहाँ को पूरी देर है मज़ेदार से जो स्वीट डिश है जो हम दूध वाली सेवइयां तैयार कर रहे हैं वो कैसे फाइनल होगी। जी, तो व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि मज़ेदार सी जो सी हमारी स्वीट डिश है आलमोस्ट फाइनल हो चुकी है, क्योंकि पहले जब हमने सेवइयां डाली थी तो कितनी कम सी थी, लेकिन अब पकने के बाद ये फूल गई हैं और आपको दिख भी रही हैं। तो मम्मा, अभी बिल्कुल फाइनल हो गया कि मज़ीद को थोड़ी देर और पकाएंगे हम? हाँ जी, फाइनल हो गई हैं, बस हम निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, बेशक आप ये समझ लें कि शीर खुरमा है ये। हाँ, शीर खुरमा भी कह सकते हैं, क्योंकि शीर खुरमा में भी जो सी सेवइयां होती हैं वो कम ऐसी होती हैं, तो आप लोग मतलब 2-in-1 कर सकते हैं इसको आज की रेसिपी को, और अब इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी बिल्कुल फाइनल हो गई है, तो ये थिक भी हो गया दूध और ज़्यादा मजीद गाढ़ा हो गया है, और जो सेवइयां वो भी अच्छे से फूल गई हैं, जो हमने मेवा डाला उसकी भी जो सी खुशबू है वो फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा है, तो इसको डिश आउट करके इसको हम लोग आपको दिखाते हैं। जी, तो व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी जो सी रेसिपी फाइनल हो गई है, इसको हमने डिश आउट कर दिया है, तो देखिए कितना ज़बरदस्त इसका लुक आ गया है और बहुत ही मज़ेदार ये दिखने में लग रही है। जो सा दूध है वो भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और जो सेवइयां हैं वो भी फूल गई हैं, तो ये है इसका ज़बरदस्त सा लुक और बहुत ही मज़ेदार सी ये जो सी है मीठी स्वीट डिश आज हमने आपके सामने तैयार की है, ये फाइनल हो गई है। जो मेवा है वो भी हम लोग डाला, अगर आप लोगों ने नहीं डाला, आप लोगों को नहीं पसंद तो आप लोग इसको ना शामिल करें, अगर पसंद है तो आप लोग इसको ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने ज़रा इसको टेस्ट भी कर देती हूँ।
टू गुड, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत मज़ेदार है, मीठा भी बिल्कुल सही है, चीनी ज़्यादा भी नहीं हुई, कम भी नहीं है, बहुत मज़ेदार से इसका फ्लेवर आ रहा है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करो, हमें अपनी फीडबैक दें। तो व्यूवर्स इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को किसी ना सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसके मज़ीद जो अच्छी अच्छी वीडियो उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो व्यूवर्स, अब आप लोगों से जा सकते हैं, अल्लाह हाफिज़।